तो दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास जातिवासी आय या तीनों में से कोई भी है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, इसलिए इस मकसद से हमारा इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि तो इस वीडियो को इन तक देखिए। इसमें हम फुल कम्प्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से ये निवास प्रमाण पत्र हो या जाति हो या इनकम सर्टिफिकेट हो, तीनों को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और किस वेबसाइट से आपको करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डाउनलोड करने के लिए कहाँ पे आना होगा, चलिए हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है। चलिए हम यहाँ पे करके भी आपको एक दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चलिए हम डाउनलोड पर हम कर दिए टच क्लिक, और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे जो कि रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालिए, यहाँ पे नाम डालिए और यहाँ से देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिखा हुआ जनरेट नॉट जनरेट प्लीज वेट, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी डाउनलोड नहीं हुआ है, यानी बना हुआ ही नहीं है, ऐसे बता रहा है। लेकिन चलिए इसको हम यहाँ से इसको कटिच कर देते हैं और यहाँ पर फिर आ जाता है डाउनलोड करने के लिए। आपको यहाँ पर आना पड़ेगा आवेदन की स्थिति देखें। चलिए यहाँ पर हम इसको जो एप्लीकेशन को ट्रेस किया जाता है उसको आपको ट्रेस करना है और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, कृपया इस वीडियो को इन तक देखिएगा। चलिए यहाँ पे इसका इंटरफेस इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में जस्ट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, थ्रोट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और यहाँ पे थ्रोट OTP या एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको चूज करना है फर्स्ट वाला, इस पर टिक कर देना है थ्रोट एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है, जो VA या BRCCO ऐसे करके कुछ रहता है वो आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालिए, उसके जस्ट बाद में यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिशन डेट है और एप्लीकेशन डिलीवरी डेट है, तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन डेट पे यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे जिस तारीख को आपने ये जो है कि अप्लाई किया था, जाति हो या आवासीय या फिर आय हो या निवास प्रमाण पत्र जो भी हो, वो डेट आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर हम डेट फटाफट डाल देते हैं। और डाल देने के बाद नीचे यहाँ पे आपको एक कैप्चा जो है कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, चलिए फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, चलिए सबमिट कर देते हैं। सबमिट जो ही आप कीजिएगा तो कुछ चेक करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको जो है कि एक जो है कि पॉपअप विंडोज खुल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम कुछ चेक इनवेट कर ले देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे येस कर देना है और इस करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, चलिए सबमिट कर देते हैं। तो जो ही सबमिट कर दिए, चलिए यहाँ पे फिर से ये जो है कि प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद इसका इंटरफेस इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी एप्लीकेशन का जिसके नाम से ये अप्लाई हुआ है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे फादर्स नेम डाल देना है, यहाँ पे मदर्स नेम डाल देना है और लास्ट में सबमिट कर देना है। तो चलिए हम फटाफट तीनों डाल के यहाँ पे सबमिट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम नाम डाल दिए, यहाँ पे फादर्स नेम डाल दिए और यहाँ पे मदर्स नेम डाल दिए और डाल देने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन है, चलिए सबमिट कर देना है, चलिए सबमिट कर देते हैं। जब ही सबमिट करेंगे तो फिर से ये जो है कि कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे प्रोसेस होता है और प्रोसेस हो जाने के तुरंत बाद प्लग झपकते यहाँ पे जो है कि ये आपको जो है कि शो कर देगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ गया और यहाँ पे सबसे नीचे आपको अप्रूवल ऑफ वेरीफाई टू ट्रू एप्लीकेशन यहाँ पे आपको आ जाएगा, इशू डॉक्यूमेंट्स के नीचे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि ये जो है कि बन चुका है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे जो है क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमारा ये जो है कि डाउनलोड हो गया जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट था। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जहाँ पे ऑप्शन है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए वहाँ से नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो है कि इसका स्टेटस चेक करेंगे और यहाँ से इस माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसको जो है कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है कि शो फोल्डर है तो शो फोल्डर पर करेंगे या यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं जो हमारा जो है कि यहाँ पे वो सर्टिफिकेट यहाँ पे बन चुका है, 100% बन चुका है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, कर लिए हैं। तो इस तरह से दोस्तों चलिए यहाँ से हम इसको कटिस कर देते हैं। और आप देख सकते हैं यहीं पर जो है कि सब लोग कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिखा हुआ है इस वेबसाइट से, यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करके हम जाते हैं तो वहाँ से डाउनलोड नहीं होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये बना ही नहीं है, रिजेक्ट हो गया है, लेकिन नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर दिए होंगे तो 100% बन गया होगा। आप यहाँ पे आवेदन की स्थिति चेक करें यानी इसका जो है कि स्टेटस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कीजिएगा तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा
और बेल घंटे को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आज यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।